महाराज। अब आप कैसे हैं महाराज? मेरे पौत्र नहीं आए महाराज। अयोध्या कैकेयी से बहुत दूर है, उन्हें आपके पास आने में कुछ समय तो लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और मैं उनसे दूर जा चुका हूं। ईश्वर ना करे महाराज। मैंने कुकस्त को भेजकर भूल की, मुझे स्वयं ही अयोध्या चले जाना चाहिए था। पिताश्री लीजिए, आ गए आपके पौत्र। कहाँ पिताश्री? आ गए तुम। नाना श्री, मेरे चरणों पर क्यों झुक रहे हो? मेरे गले से लग जाओ, आओ आओ। बहुत विलंब कर दिया आने में। नाना श्री, मामा श्री ने हमें जैसे ही बताया कि आप अस्वस्थ हैं, हम तुरंत ही अयोध्या से चल पड़े। अब आप अच्छे हो जाएंगे नाना श्री। निसंदेह अच्छा हो जाऊंगा। तुम दोनों को ना देखने का दुख ही तो मेरा रोग है। महाराज अब मैं चलता हूं, मेरी आवश्यकता हो तो मुझे तुरंत बुला लीजिएगा। अब तो ना मुझे आपकी आवश्यकता है और ना आपकी औषधियों की। मेरी प्राणदायी औषधि मुझे मिल गई। वैद्य जी। अच्छा प्रणाम। मेरी पुत्री कैकेयी कैसी है? वो सर्वथा ठीक है नाना श्री। बस आपको स्मरण करती रहती है। और मंत्रा? वो भी ठीक है नाना श्री। आओ आओ। नाना श्री। आप यहां इस समय? अभी तो भोर भी नहीं हुई है। क्या कर पुत्री, नींद ही नहीं आ रही। थाई मां, आप उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है ना, इसीलिए आपकी नींद भी उड़ गई है। नींद तो मेरी उसी दिन उड़ गई थी जिस दिन मैं अयोध्या आई थी, पर न जाने आज मेरा मन क्यों इतना व्याकुल है। लगता है जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। अशुभ होने वाला है? सत्य तो ये है आप रोगी हो गई हैं। क्यों, मुझे क्या रोग है? संदेह और शंका का रोग। थाई मां, आपके इस रोग की औषधि तो वैद्य के पास भी नहीं है। अब जाइए और जाकर सोने की चेष्टा कीजिए। जाइए धाई मां। ठीक है, तू कहती है तो चली जाती हूं। पर सत्य बेटी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। धाई मां आप जाइए। ये धाई मां भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः।
आयुष्मान भव। राम, मैंने महाराज को वचन दिया है कि तुम्हें युवराज संस्कार की सारी विधियां सिखा दूं। क्षमा करें गुरुवर, मेरे सिर पर महाराज की छाया बनी हुई है और ईश्वर करे सदा बनी रहे, किंतु उनके होते हुए मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं है प्रेषिष्य, युवराज का पद राजा के पद से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। राजा की अनुपस्थिति में युवराज को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। गुरुदेव, मुझे राजा के अधिकारों से भी अधिक राजा के कर्तव्यों के विषय में बताइए। सुंदर विचार है तुम्हारे राम। राम, वास्तव में कर्तव्य परायणता राजा का सबसे बड़ा गुण होता है। जो राजा प्रजा को सुखी न रख सके, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली और प्रबल क्यों ना हो, शास्त्रों के अनुसार उसकी कोई महत्ता नहीं हो सकती। जो राजा अपने स्वार्थ त्याग कर अपनी प्रजा का भला न कर सके, वो राजा कहलाने के योग्य नहीं होता। गुरुदेव, मैंने आपका कथन अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया। त्याग, दया, क्षमा, न्याय, रक्षा करने की क्षमता और शासन की योग्यता, राजा के ही भांति युवराज के भी यही गुण होने चाहिए। और सौभाग्यवश ये गुण तुम्हें पहले से ही विद्यमान है। गुरुवर, राम, राजा की ही भांति युवराज के भी स्वतंत्र विचार होने चाहिए। उसे किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे युवराज बनने में मात्र 15 दिन शेष हैं, परंतु इन 15 दिनों में मैं तुम्हें सारी विधियां सिखा दूंगा।